नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डबावाली हलके को एक नई सौगात दी। आपको बता दें कि डबावाली हलके के गांव गोरीवाला में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राजकीय महिला महाविद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, सिरसा के उपायुक्त सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह कॉलेज की सौगात देना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का बार बार धन्यवाद करती है। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज से लड़कियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, अब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए सांसद सुनीता दुग्गल और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत बहुत मुबारक दिन है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो है वो सिरसा की बेटियों के लिए, सिरसा के बच्चों के लिए जो ये सौगात दी है गोरीवाला में, यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय का जो आज उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरे सिरसा वासियों की तरफ से, और पूरे जो है वो डबवाली क्षेत्र के ग्राम वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जो उन्होंने ये सौगात दी है, और इसके साथ साथ उन्होंने एक आह्वान किया है कि हम सभी जो है वो रक्षाबंधन के साथ वृक्षाबंधन जो है उसका भी ध्यान करें, और इसलिए अब हम सब लोग मिलकर जो है यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत हमारे सभी जो है देशवासियों को एक नई सौगात दी है। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दी। ग्रामीण क्षेत्र में इतना के महाविद्यालय खुलना कितना लाभ देता है? बहुत लाभदायक होगा। देखिए, आपने देखा होगा कि अभी हमने तीन बच्चियों को सम्मानित किया, तीनों बच्चियां जो हैं यहां पर वो पूरे सिरसा के अंदर फर्स्ट आई हैं, और पूरे अगर हरियाणा की बात करें तो उसमें उसका सेकेंड नंबर है। तो जब बच्चियां हमारी इतनी आगे बढ़ रही हैं और सबकी सब आपने देखा होगा कि पढ़ लिख कर आगे, मैंने पूछा उनसे कि आप बड़े होकर आगे जो है आपने उसमें भविष्य में क्या करना चाहते हो, तो तीनों ने कहा कि हम आईएएस बनना चाहते हैं। तो जब हमारे ग्रामवासी जो हैं, हमारी जो बेटियां ग्रामीण अंचल से जो हैं, जब उनकी सोच ये होगी, उनका स्वप्न ये होगा कि वो आईएएस बनेंगे, तो मुझे लगता है तभी हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने इलाके को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं, तभी हमारा इलाका जो है वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कॉलेज की गोरीवाला से दूरी पहुंच रहे हैं, क्या बस की सर्विस बच्चों के लिए मिल पाएगी? बिल्कुल, जहां कहीं पे भी इस तरह की कोई समस्या होगी तो बस की सर्विस जो है वो बेटियों के लिए, खासकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करूंगी मैं इस बात के लिए कि बेटियों को किसी भी तरह की परिवहन के माध्यम से कोई ऐसा उनको जो है वो तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना आए। देखिए, अभी सीएम साहब बता ही रहते हैं कि पिछले 12-14 साल में, जब से मतलब 2014 से पहले हमारे कुल 67 कॉलेज थे और आज जो है वो 187 के करीब हो रहे हैं। तो मतलब 6 साल में बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बनाए जा रहे हैं हरियाणा को, और दिल्ली के नज़दीक है, NRI में है। जब गोरीवाला गांव में एजुकेशन का कॉलेज खुल गया लड़कियों का, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि डेवलपमेंट तो निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से हो रही है। और CM साहब बहुत ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, बहुत लोगों से जुड़ के ये काम कर रहे हैं। मैं भी समझता हूँ कि हमारे ज़िले में, हमारे इलाके में, मेरा गांव तो यहाँ से 10-12-15 किलोमीटर है, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है उसका मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। इलाके के लोग आए हैं, अब सबके चेहरे कुछ और कह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा एक बड़ा है, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ।